वेलकम बैक गाइस, टेक्निकल सिद्दीकी के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप घर बैठे अपने लैपटॉप में रैम को अपग्रेड कर सकते हैं, भले ही वह लैपटॉप 2-3 साल पुराना हो या फिर 10 साल पुराना। मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो फिर चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर 2 लैपटॉप रखे हुए हैं। यह लैपटॉप जो राइट साइड में है, यह 2 साल पुराना लैपटॉप है, और यह लैपटॉप जो लेफ्ट साइड में है, यह 5 साल से ज़्यादा पुराना लैपटॉप है। मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाया है। पहले पार्ट में मैं आपको पुराने लैपटॉप को अपग्रेड करना सिखाऊंगा, और दूसरे पार्ट में नए लैपटॉप को। तो अगर आपका लैपटॉप 1-2 साल पुराना है, तो आप वीडियो के सेकेंड पार्ट में जा सकते हैं, या फिर अगर आपका लैपटॉप 5-6 साल पुराना है, तो वीडियो पर बने रहिए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यह एक पुराना लैपटॉप है। इस लैपटॉप की उम्र 10 साल है, लेकिन यह लैपटॉप फिर भी काम कर रहा है, तो हम इसे अपग्रेड करना है। तो सबसे पहले आपको लैपटॉप को उल्टा कर लीजिए। उल्टा करने के बाद सबसे पहले आपको इसकी बैटरी निकाल लेनी होगी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने पहले से निकाल दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे 3 पैनल्स दिख रहे होंगे। आपके लैपटॉप में ऐसे ज़्यादा हो सकते हैं, तो हमारा जो रैम है वह इन्हीं तीनों में से किसी एक पैनल में फिट होगा। तो मैं तीनों को बारी बारी खोल देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस पैनल को खोल रहा हूँ। ये खुल गया, लेकिन यह तो वाईफाई कार्ड है, हमारा रैम इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि यह एक वाईफाई अडेप्टर का पैनल है। तो अब मैं इस दूसरे पैनल को खोल रहा हूँ। ये भी खुल गया। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर रैम लगाने के लिए एक स्लॉट दिया गया है, इसी में हमारा रैम लगेगा। आपके लैपटॉप में इससे अधिक स्लॉट भी हो सकते हैं, तो आपको सिंपली इसमें रैम को इंस्टॉल कर दीजिए। आपको रैम को ध्यान से देखकर लगाना है। पहले आप इसकी साइड मिला लीजिए कि किस साइड से यह लगेगा। उसके बाद आपको इसे आराम से नीचे की ओर प्रेस करना है। आपको एक क्लिक की साउंड आएगी, तो इसका मतलब आपका रैम लग चुका है। रैम को लगाने के बाद सारे पैनल्स को अच्छे से लगा दीजिए। अक्सर पुराने लैपटॉप में स्लॉट पीछे के साथ साथ आगे भी होता है। अगर आपके लैपटॉप में पीछे वाले पैनल में रैम का स्लॉट नहीं है, तो घबराने की बात नहीं है। आपको इस कीबोर्ड वाले पैनल को नीचे से निकालना होगा। तो आप पूछेंगे कि इसे कैसे ओपन करेंगे। तो आपके लैपटॉप को फिर से उल्टा करना है। तो आपको यहाँ पर कीबोर्ड के आइकन दिख रहे होंगे, और उन्हीं के बगल में आपको स्क्रू के आइकन भी दिख रहे होंगे। तो आपको सिंपली इन स्क्रूज को ओपन करना है। मेरे में 3 स्क्रू दिए हुए हैं, तो मैं तीनों को ओपन कर ले रहा हूँ। उसके बाद लैपटॉप के लीड को ओपन कीजिए। यहाँ पर कीबोर्ड को आप स्क्रू ड्राइवर का यूज करके ओपन कर सकते हैं, लेकिन खोलने से पहले आप यह जरूर ध्यान दें कि यह कीबोर्ड में लॉक तो नहीं लगा है, जैसा कि मेरे लैपटॉप में दिया है। अगर आपने भी लॉक दिया है, तो सिंपली इन लॉक को नीचे कर दीजिए और फिर कीबोर्ड को निकालिए। आपको कीबोर्ड को ध्यान से निकालना है। आपके लैपटॉप में भी वायर कनेक्ट होंगे, जो कि कीबोर्ड से कनेक्ट हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इन केबल्स को डिसकनेक्ट मत कीजिए, वरना आपको इसे लगाने में परेशानी होगी। आप बस इसे उल्टा घुमा दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर भी एक रैम लगाने का स्लॉट दिख रहा होगा। आप इसमें भी केयरफुली साइड देखकर रैम को लगा दीजिए, और फिर इसके बाद कीबोर्ड के पैनल को ध्यान से क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद इन स्क्रूज को ध्यान से कस दीजिए। और फाइनली बैटरी को लगा दीजिए। बैटरी को लगाने के बाद 15 से 20 सेकेंड वेट कीजिए। उसके बाद अपने लैपटॉप के लिड को ओपन कीजिए और पावर बटन पे प्रेस कीजिए। अब आपका रैम इंस्टॉल हो चुका है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यह एक नया लैपटॉप है, और इस लैपटॉप की उम्र बस 2 साल है। तो सबसे पहले आपको लैपटॉप को उल्टा कर लेना है। उसके बाद देखना है, ध्यान से देखना है, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आजकल की कंपनियाँ जितनी भी लैपटॉप बना रही हैं, उनमें सभी चीज़ें लैपटॉप के पैनल के नीचे होती हैं। तो आपको सबसे पहले इस पैनल को ओपन करना होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं,
कि इसमें बहुत सारे स्क्रूज दिए हुए हैं, तो आपको केयरफुली सभी स्क्रूज को ओपन कर लेना है और उसके बाद कोई कार्ड जैसी चीज़ लेनी है जैसा कि मैंने लिया है। उसके बाद आपको इसे इसमें लगाकर आराम से ऊपर की ओर प्रेस करना है। ऐसा करके आप इस पैनल को ओपन कर लीजिए। पैनल को ओपन करते वक्त ध्यान दीजिएगा, आपको इस पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है वरना यह टूट जाएगा। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सामने में ही लैपटॉप का स्लॉट दिख रहा होगा। मेरे में एक ही स्लॉट है क्योंकि एक रैम इसमें इंटीग्रेटेड है, मतलब रैम मदरबोर्ड में पहले से ही लगी हुई है। आपके लैपटॉप में दो स्लॉट भी हो सकते हैं, यह लैपटॉप के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको रैम लगाने से पहले बैटरी वाले वायर को निकाल देना है। मैंने इसे हल्का सा निकाला है, पूरा नहीं निकाला है क्योंकि बाद में मुझे इसे लगाने में परेशानी होगी। तो आप भी ऐसे आधा निकाल लें और इसे सॉकेट में वैसे ही छोड़ दें। तो यह एक 8GB की रैम है और मैंने इसे अमेजोन से मंगाया है। यह कोई स्पॉन्सर्ड रैम नहीं है और ना यह कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो है। मैंने बस अपने लैपटॉप के रिक्वायरमेंट के अनुसार इस रैम को परचेस किया है। आप भी रैम लेने से पहले उसकी रिक्वायरमेंट चेक कर लें कि वह आपके लैपटॉप के साथ मैच करती है या नहीं। उसके बाद रैम को ध्यान से साइड में लेकर लगाना है। आपको देख लेना है कि यह किस साइड से लगेगा और फिर नीचे की ओर धीरे से प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपको एक क्लिक की साउंड आएगी, इसका मतलब आपका रैम इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद बैटरी को दोबारा से लगा दीजिए। और फिर पैनल को क्लोज कर दीजिए। तो अब हमारा रैम इंस्टॉल हो चुका है। क्लोज करने के बाद सारे स्क्रू को ध्यान से कस दीजिए। तो अब हमारा रैम इंस्टॉल हो चुका है, तो मैं अपने लैपटॉप को ऑन कर रहा हूँ। तो अब हमारा रैम इंस्टॉल हो चुका है और मैं अपने लैपटॉप को ओपन करूँगा और चेक करूँगा कि यह रैम वर्क कर रहा है या नहीं, और साथ ही साथ मैं यह भी चेक करूँगा कि यह रैम ओरिजिनल है या नहीं। तो मेरा लैपटॉप ऑन हो चुका है। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन को रिफ्रेश कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने टास्क मैनेजर को ओपन किया। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस वाले टैब में जाना है। टैब पर क्लिक करने के बाद आपको इस मेमोरी वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे टॉप में एक 12GB का ऑप्शन दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने इसमें पहले से 4GB इंटीग्रेटेड है, तो 8+4 12GB होगी, इसलिए यह 12GB शो कर रहा है। आप भी रैम लगाने के बाद यह चेक कर लें कि आपका रैम पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुका है या नहीं। इससे तो पता चल गया कि हमारा रैम वर्क कर रहा है, लेकिन अब हम चेक करेंगे कि रैम ओरिजिनल है या नहीं। तो इसके लिए आपको बस एक ऐप को इंस्टॉल करना होगा, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आप सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाकर उस ऐप को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आपको इस ऐप पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आई एक्सेप्ट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है और फाइनली फिनिश पे क्लिक करना है। तो यह ऐप इंस्टॉल हो चुका है। आपको सिंपली इस ऐप पे डबल क्लिक करना है। यह ऐप अभी लोड हो रहा है, इसका मतलब यह हमारी मेमोरी को चेक कर रहा है। लोड होते ही आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पे आपके लैपटॉप से रिलेटेड जितने भी स्पेसिफिकेशन है वो सभी शो होंगे, कि आपका प्रोसेसर कौन सा है, मेमोरी कौन सा है, यह सारी डिटेल दिखा देगा। आपको यहाँ पे मेमोरी का एक सेक्शन दिख रहा होगा, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे टोटल 12GB दिख रही होगी। आपको यहाँ पे मेमोरी के बगल में एक स्पीडी का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप शुरुआत में देखेंगे यहाँ पे एक 8GB की रैम शो हो रही है, जो कि हमारे स्लॉट 1 में लगी है। आपके केस में स्लॉट 2 भी हो सकता है। और अगर आप इसके मैन्युफैक्चरर को देखेंगे तो यह क्रूसियल लिखा है और साथ ही साथ माइक्रो इंडस्ट्री। तो मेरा रैम क्रूसियल का है, इसका मतलब मुझे रैम जो मिला है वो ओरिजिनल रैम है। आप ऐसे ही अपने रैम को भी चेक कर सकते हैं कि जो आपको रैम मिला है वो ओरिजिनल है या नहीं। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो सब्सक्राइब के बगल में बेल का आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल पे सेट कर दीजिए,
ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। अब मैं आपको फिर मिलूंगा किसी नए टॉपिक पर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।